हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रंगपूस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी मेरा टीएच चल रहा है क्राउन 5, भोरे वाला क्राउन 5 का गेम प्ले है। तो गाइस, आप लोग ने इंट्रो देखा होगा और मैं क्या ही पैनिक सिचुएशन में था और वहां से क्या ही मैंने गेम निकाला, वो सब आप लोग को आगे देखेगा। और इस वाले मैच में ना काफी मजा आने वाला है, तो जितना हो पाए उतना यार स्किप मत करना, आराम से देखना तो ही मजा आएगा। फिलहाल यहाँ पे इवेंट पे कूद जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं अपने को कितने किल मिलते हैं। अब यहाँ पे आगे की साइड से बंदे का फूट आता है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज भी देता हूँ। बल्टी वाला बंदा यहाँ पे कवर के पीछे बैठ जाता है। तो गैस, आप लोग के पास भी ये पानी वाला बॉम होगा तो यार इसका यूज ऐसे कर सकते हो, अगर करना है तो ये वाला ट्रिक अच्छा है किल के लिए। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ तो सामने एक साइड भी बंदा था, तो इस वाले बंदे के साथ थोड़ी लंबी फाइट होती है, वरी वाली फाइट में काफी मजा आएगा। देखो इसको कैसे मारता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को आराम से नेट से मार देता हूँ और उसको कुछ पता भी नहीं चला होगा। अब यहाँ पे मेरा 2 किल हो गया था और मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे सामने की साइड बंदा स्पॉट होता है और यहाँ पे देखो अब। अब ये वाला बंदा किसी और को नोक दिया था और इसको मैंने फिनिश कर दिया और यहाँ पे मेरा 3 किल हो गया था। हेलो मयूर भाई, वेलकम, कैसे हो आप? अब गैस यहाँ पे मैं जेट भी पढ़ रहा था और मेरे को पीछे से बंदे का फूट भी आया था, तो यहाँ पे देखो इस वाले बंदे के साथ थोड़ी लंबी फाइट होगी। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था वाला बंदा फुल डैमेज होगा, बट यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे इस वाले बंदे ने शायद मेरे को हेड हेड ही मारा होगा, तो यहाँ पे अपनी पेटी बन जाती है। तो यहाँ पे ना मैं वापस छोटे वाले इवेंट पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं था बंदे है या नहीं है, बट यहाँ पे पीछे से बंदे का फूट आता है, बट ये वाला बोट था, बंदा नहीं था। अब यहाँ पे एक रियल बंदा भी था जो कि ऊपर चढ़ के बैठा था, उसको तो मैंने मार दिया। और यहाँ पे एक नीचे की साइड और एक बोट था, आई थिंक इधर बंदा था तो मैंने मार दिया। तो यहाँ पे इस वाले बोट को भी मैं मार देता हूँ और यहाँ पे मेरा टोटल 6 किल हो गया था। अब गाइस यहाँ पे मैंने पूरी लूट तो कम्प्लीट कर ली थी, तो मैं सोचा चलो यार यहाँ से मैं अंदर चला जाता हूँ। अब गाइस ये वाली जगह काफी लोग को पता होगा और काफी लोग को नहीं पता होगा, तो यार सीधा पानी में आ जाना है और पूरा ऊपर चले जाना है और यहाँ पे ना आप लोग को पजल कंप्लीट करनी पड़ेगी और सामने जो दरवाजा ना वो भी खुल जाएगा और उसमें से मेरे को अच्छी खासी सी लूट भी मिलेगी। देखो आप लोग, तो गाइस यहाँ पे आप लोग लूट देख सकते हो, आप लोग को लेवल 3 की लूट मिलेगी और यहाँ पे आप लोग को एक रिवाइव कार्ड भी मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे काफी अच्छी लूट मिलती, तो आप लोग भी यहाँ पे आना और ये सब लूट कर लेना और यहाँ पे आप लोग कैंप भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको बाहर जाना है तो सीधा यहाँ पे देखो एग्जिट का दरवाजा भी है, वहाँ से तुम बाहर जा सकते हो, बट कहीं पे भी आप लोग को रेंडमली कहीं पे फेंक देगा तो वो भी थोड़ा देख लेना।
तो गाइस यहाँ पे मेरा पूरा लूट तो कंप्लीट हो गया था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट मार देता हूँ। यहाँ पे देखो रेड जोन बना ना, वो वाले इवेंट पे था और मैं यहाँ पे पूरा सेंटर में आ गया, बट यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी रेंडमली फेंक दिया। तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी भी चाहिए और थोड़ा कवर पे भी कूदना पड़ेगा क्योंकि बंदे भी हो सकते इस साइड। अब गाइस यहाँ पे मैं पूरा ओपन में कूद जाता हूँ और यहाँ पे अपने पास उड़ने वाला था तो ये लेके मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे अपने को बग्गी भी मिल जाती है, वो बग्गी ले लेता हूँ मैं और इसको मैं जेब में डाल लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो वैम्पायर नाम का बंदा है, उसके पास शॉटगन की स्किन है और उसको मैं ट्रोल करके थोड़ा मारने वाला हूँ, तो वो भी देखना काफ़ी मजा आएगा। अब गाइस यहाँ पे मेरी पूरी लूट तो कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे ना मैं पूरा सेंटर में आ जाता हूँ, बट यहाँ पे देखना क्या होने वाला है भाई। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है ना, पूरा दरवाजा भी बंद है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे ना मैं रुक जाता हूँ और मैं सोच रहा था चलो यार ये वाली जगह तो सेंटर में और यहाँ पे मैं होल्ड करूंगा। अब गाइस ये वाला घर तो मैंने चेक कर लिया था बट यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं सोचा चलो यार बाजू वाला घर भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता भाई कोई बंदा बैठा हो। और यहाँ पे देखो यार क्या होने वाला है मेरे साथ। अरे भाई भाई हार्ट अटैक दे दिया भाई इसने तो। तो गाइस आप लोग गेम कर सकते हो बट आपका फायदा होना चाहिए। देखो ये वाला बंदा गेम किया था बट कहाँ लेटा था, इसका एम ही यहाँ पे ब्लॉक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को तो मैंने आराम से मार दिया, ठीक है। और आप लोग गेम कर सकते हो बट दूसरी जगह पे बैठो भाई, जहाँ से तुम आराम से बंदा भी मार सको और जहाँ पे भी बैठो तुमको कोई देख भी ना पाए और आराम से तुम किसी बंदे को मार भी सकते हो, वैसे बैठा करो अगर बैठना है तो भाई। अगर ऐसे बैठोगे तो यार मरोगे। अभी आप इस वाले बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया था और वापस एक हेड मार देता हूँ तो सीधा रस कर देता हूँ। अब ये वाला बंदा तो यहाँ पे भागने की ट्राई कर रहा था तो इसको आराम से किल कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा टोटल 6 किल हो गया था। अब यहाँ पे ना सामने की साइड गाड़ी का रोटेशन जा रहा था तो मैं सोचा चलो यार इसके ऊपर स्प्रे लेता हूँ और यहाँ पे देखो अब चला गया भाई, थोड़ा इस साइड आता ना मजा आ जाता। अब ये वाला बंदा तो मेरे से बच जाता है बट यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और यहाँ पे देखना क्या होने वाला है मेरे साथ। हो गया ना किल खत्म होगा तो चलेगा। ये क्या वो गाड़ी वाला? अब यहाँ पे जो हिल पे बंदा है वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी वाला बंदा यहाँ पे रुका है और मेरा वेट कर रहा था, बट यहाँ पे उसकी गाड़ी मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और इस वाले बंदे को तो मैं आराम से मार सकता था। तो यहाँ पे देखो अब इसके साथ कैसे फाइट करता हूँ। यहाँ पे इस वाले बंदे को पहले मैंने फंसाया और इसके ऊपर सीधा रश कर दिया, बट ये वाला बंदा भी मेरे को अच्छा खासा सा डैमेज दिया, बट जैसे तैसे करके इसको भी मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पे इसके क्रेट में भी उड़ने वाला था और एक बैग में मेरे पास उड़ने वाला पड़ा था। अब यहाँ पे मेरे पास बैग बैग पड़ा है तो इसको मैंने उठाता हूँ और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, बट वापस मेरे को इधर आना पड़ेगा देखना। इसको चेंज मार लेता हूँ भाई, डैमेज हो गया उस बाइक के पास भी था उड़ने वाला। अब यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना वो काफ़ी डैमेज हो गया था तो मैं सोचा चलो यार यहाँ पे चेंज मार लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे बैग के अंदर था वो तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर से मैंने एक उठा लिया। अब यहाँ पे ना जोन शिफ्ट हो जाता है और मेरे को जोन के अंदर भी जाना था तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और अपने को सेंटर में भी जाना है। अब देखना मैं कहाँ पर जाके रुकता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे आ गया था ना तो मेरे को गाड़ी वाला बंदा दिख जाता है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे परेशान करता हूँ। अब यहाँ पे ना ये वाला बंदा फुल पैनिक हो गया था और यहाँ पे देखो इसके साथ क्या करता हूँ मैं। यहाँ पे इस वाले बंदे को तो आराम से किल कर देता हूँ और इसका नाम देखो आपको मैंने बोला था ना, एक बंदे को मैं ट्रोल करके मारूंगा। अब यहाँ पे मैं जैसे आ गया था ना तो आगे की साइड से मेरे को AKM का फायर आ रहा था तो मैं सोचा चलो यार वहाँ पे भी चलता हूँ और किल उठाता हूँ। और सामने एक साइड एक बंदा स्पॉट होता है पेड़ के पास ओपन में। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैंने स्पॉट तो कर लिया था तो यहाँ पे मैं थोड़ा एंगल बनाता हूँ और देखो अब कैसे मारता हूँ।
तो यहाँ पे इस वाले भाई को भी आराम से किल कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा 11 किल हो गया था और अभी भी 21 बंदे अलाइव है और छोटा जोन हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जोन भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था और काफ़ी बंदे यहाँ पे आसपास में थे भाई, क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही लॉबी लगी थी। और इस वाले लॉबी में ना काफ़ी मज़ा आया मेरे को गेम खेलने में। अब यहाँ पे जोन के बाहर देखो कितने बंदे घूम रहे थे। यहाँ पे देखो एक BRTM वाला बंदा दिखा और जोन के बाहर से और एक बंदा आ रहा था सामने की साइड गाड़ी वाला। अब यहाँ पे मैं जोन के अंदर तो आ गया था बट मेरे आसपास में काफ़ी गाड़ियाँ घूम रही थी। अब यहाँ पे वापस जोन शिफ्ट हो जाता था और मेरे को जोन के अंदर भी जाना था और ये वाला जोन काफ़ी दूर बन गया था मेरे से। अब यहाँ पे ना मैं थर्ड पार्टी मारने का सोच रहा था बट यहाँ पे एक BRTM वाला बंदा रुक गया था तो इसके साथ तो कुछ होने वाला है नहीं। और यहाँ पे जैसे आ गया था ना तो यहाँ पे देखो कितने बंदे और घूम रहे थे। अगर कैसे आप लोग के पास ये उड़ने वाला है तो आप लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हो जोन के बाहर वो देखो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और मैं यहाँ से एक भी क्लिक कट नहीं करूँगा, देखो बस पूरा। अब यहाँ पे ना यह फुल डैमेज हो गया था, थोड़ा सा बचा था और यहाँ पे इसमें फ्यूल भी खत्म होने वाला था और मेरे को पता नहीं था, अब जब एडिट कर रहा हूँ तब पता चला। तो यहाँ पे मैं रुक जाता और मेरे पास एक बैग में और पड़ा था बट यहाँ पे देखो अबे यार इसमें तो फ्यूल ही नहीं है। अब यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, मैं जिस बंदे से उठा ना उसमें यार फ्यूल ही नहीं था और मैंने चेक भी नहीं किया था। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्यूल था तो मैं सोचा चलो यही उठा लेता हूँ और यहाँ पे सीधा घर के अंदर पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जिस घर में रुका हूँ ना उस वाले घर में तो कोई बंदा नहीं था बट यहाँ पे जो आगे घर है ना उस वाले घर में एक बंदा था। तो ये वाला बंदा यहाँ पे थोड़ा मेरे को फूट स्टेप दे देता है। अब गैस यहाँ पे देखो मैं जोन के अंदर तो आ गया हूँ ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट वाला जोन भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूँ। और मैप में चेक करो यहाँ पे कितने बंदे आसपास में घूम रहे हैं। और यहाँ से जो मैं गेम निकालने वाला हूँ ना वो वाला गेम आप लोग मिस मत करना, काफ़ी मजा आने वाला आप लोग को। अब इस वाले बंदे को तो मेरा लोकेशन नहीं पता होगा तो यहाँ पे इसको तो मैं हार्ट अटैक दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो बाजू वाला बंदा था ना वो नेट वगैरह भी कर रहा था और यहाँ पे जो पानी वाला बॉम है ना वो भी फेंक रहा था और यहाँ पे देखना एक बंदा और ऊपर से कूदता है। वाले बंदे को तो जैसे तैसे करके मार देता बट यहाँ पे जो बाजू वाला बंदा था ना वो भी पुश करता है। अब गाइस ये वाला 1v3 कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहना। भाई क्या बचाऊ। अब गाइस यहाँ पे 10 सेकंड में जोन चालू होने वाला था तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मेरे को ग्रेट लूटने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि जोन स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला जोन काफी डैमेज देगा आप लोग को तो पता ही होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर भी फ्यूल ज़्यादा नहीं था और यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे जो सेंटर में घर है ना वहाँ पे मैं सीधा रश कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे मेरे ऊपर पहले से एक बंदा बैठा था तो इस वाले बंदे के साथ भी फाइट होगी और ये वाली फाइट में भी काफ़ी मजा आएगा देखो बस। अब यहाँ पे ना मैं नेट पिन करता हूँ तो ये वाला बंदा सीधा पुश करता है देखना।
तो यहाँ पे इस वाले बंदे को तो आराम से किल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा 15 किल हो गया था और अभी भी 6 बंदे अलाइव है। अब यहाँ पे BRDM वाला बंदा घूम रहा था और इसकी BRDM काफी डैमेज हो गई थी। अभी वाला बंदा BRDM से एग्जिट कर दिया था और यहाँ पे देखो फाइट। अब यहाँ पे वाला बंदा मोली से जल रहा था और इसको आराम से फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा 16 किल हो गया था। अब यहाँ पे ना ये बग्गी वाला बंदा जोन के बाहर था और ये वाला बंदा किसी को नोक भी दिया था, तो यहाँ पे ये बग्गी वाला बंदा तो मर जाता है और जो नोक बंदा था वो भी मर जाता है, देखना। अब गाइस यहाँ पे मेरे अलावा दो ही बंदे बचे थे, जो कि मेरे ऊपर एक बंदा तो उड़ रहा है और सामने एक साइड एक बंदा स्पॉट होता है। अब इस वाले बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दिया था बट ये वाला बंदा यहाँ पे बच जाता है, तो यहाँ पे मैं नेट ट्राई करता हूँ बट नेट से कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ तक नेट ही नहीं पहुँचता है। अब गाइस यहाँ पे जोन भी चालू हो गया था और एक मेरे ऊपर बंदा है और एक सामने की जेट था और यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर भी जाना था। यहाँ पे ना मैं स्मोक कर देता हूँ और जो ऊपर बंदा था ना वो वाला बंदा सामने वाले को मार देता है। अब यहाँ पे एक ही बंदा बचा था। अब गाइस इस वाले बंदे के साथ मेरी 2 मिनट फाइट चलने वाली, तो ये वाली फाइट आप लोग इन्जॉय करो, काफ़ी मजा आएगा। और ये वाला चिकन डिनर कौन लेके जाता है वो भी देख लो और इस वाले मैच में कितने का प्लस मिलता है वो भी देख लेना, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करके जाना। चलना बच्ची आना पियो। Victory belongs to us. भाई गजब, अरे अरे भाई थैंक यू। हेलो भाई, हेलो मुनीश कुमार, वेलकम। 17 किल चिकन डिनर, लेट्स गो। 50+ आने दो। अबे सच में वो 59 का प्लस दिया बे, मैं तो मजाक में बोल रहा था।